दर्शन की 66वीं कक्षा, योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद का 23वां सूत्र पिछली कक्षा के अंत में हम देख रहे थे। इसमें उन्होंने बताया कि स्वस्वामी शक्ति के अपने अपने स्वरूप की उपलब्धि का कारण हेतु ये संयोग है, अर्थात संयोग के होने पर ही आत्मा अपने स्वरूप को जान पाता है और संयोग होने पर ही आत्मा प्रकृति के स्वरूप को जान पाता है, कार्य जगत के प्रकृति से बने तत्वों को, संसार को जान पाता है। यदि आत्मा का प्रकृति के साथ संयोग ना हो तो ये जो दर्शन है दोनों को जानना वो नहीं हो पाएगा। मुक्तावस्था के अंदर ईश्वर की सहायता से जो हम अपने को, परमात्मा को, प्रकृति को जानते हैं, उस विषय को अलग छोड़ के इधर जो बद्धावस्था है, जो बद्ध जीव हैं, उनकी दृष्टि से ये कथन यहाँ पर किया गया। और इन्होंने बताया था कि इस संयोग से ही जो दृश्य की उपलब्धि होती है, दृश्य को जो जाना जाता है, दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि होती है और आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि होती है, तो दृश्य की यानी स्व की उपलब्धि जब होती है इसको भोग कहते हैं, और जो आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि होती है यानी स्वामी के स्वरूप की उपलब्धि होती है इसको अपवर्ग कहते हैं, छूट जाना कहते हैं। तो यहाँ भोग शब्द एक अलग अर्थ में बताया गया। जो भी हम जानते हैं संसार को, संसार के किसी भी विषय में कुछ भी हम जानते हैं, वो जानना आत्मा की दृष्टि से भोग है। सुख दुख भोग वाला भोग ना मान के इसको ज्ञान की दृष्टि से यहां पर कहा गया। दृश्य की जो भी उपलब्धि हो रही है, संसार को हम जो भी जान रहे हैं वो ही भोग है, और ये योगी का भी होगा, जीवन मुक्त का भी होगा, सामान्य व्यक्ति का भी होगा, योगी भोगी दोनों का होगा। और इसको उस संदर्भ में भी देखिए कि न्याय दर्शन में बुद्धि की व्याख्या की गई। बुद्धि क्या है? बोले भोगो बुद्धि ही, बुद्धि भोग बुद्धि है। तो ये जो बुद्धि मतलब ज्ञान, दृश्य का जो ज्ञान होता है ये भोग कहलाएगा, ये बुद्धि है, ये ज्ञान है। वहां जो बुद्धि शब्द का प्रयोग है भोग इस अर्थ में है, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान के रूप में ही बुद्धिस्त वृत्तियों को, ज्ञान को, प्रत्यय को ही ग्रहण करता है, वो सब का सब उसके लिए भोग की श्रेणी में आएगा। जब केवल अपने स्वरूप का ज्ञान करता है तो वो अपवर्ग कहलाएगा। ये इन्होंने एक अलग संदर्भ में लक्षण दिया है, जबकि सामान्यतया हम संसार के विषयों का सुख की प्राप्ति के लिए उन्हीं को लक्ष्य बना करके जब उपयोग करते हैं उसको भोग कहा जाता है, और जब ईश्वर को लक्ष्य बना करके संसार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं साधन के रूप में तो उसको भोग नहीं कहा जाता, वो उपयोग कहलाता है। वो एक अलग दृष्टि से व्याख्या है। तो यहाँ तक का ये भाग हुआ था। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ आचार्य जी, सूत्र 23 में पहली पंक्ति भाष्य की, पुरुष स्वामी दृश्येन स्वेन दर्शनार्थम संयुक्त है, इसमें जो दृश्येन और स्वेन इन दोनों का अर्थ एक ही बात है। दृश्येन स्वेन, स्वेन दृश्येन, दृश्य तो ये संसार हो ही गया, और ये संसार स्वस्वामी में से क्या है, स्व है या स्वामी है? स्व। तो ये स्वेन दृश्येन, स्वरूप दृश्य के द्वारा, स्वरूप, स्व, स्व मतलब वो अपना जो होता है, यानी ये वस्तुएं, मैं नहीं, मेरा। तो ये जो स्व है, ये संसार, ये धन, स्व का मतलब है धन, संपत्ति, साधन, ये सब चीजें स्व शब्द से आएंगी। तो स्वेन दृश्येन, ये दोनों एक ही चीज है, उसको केवल बताया जा रहा है कि ये जो दृश्य है वो किस रूप में है, स्व के रूप में। स्व है वो कौन है? ये दृश्य है। तो दृश्येन स्वेन, उसके साथ दर्शनार्थम संयुक्त है पुरुष, पुरुष उसको देखने के लिए उससे संयुक्त होता है। और कोई बोले?
आचार्य जी 22वें सूत्र में नीचे से तीसरे पंक्ति पररूपेण आत्मरूपम इति, इस पंक्ति को थोड़ा सा दोबारा बताइए। हाँ, देखिए इसका पीछे से देखिए, कुशलम पुरुषम प्रति नाशम प्राप्तम अपि अकुशलान पुरुषान प्रति न कृतार्थम इति तेषां दृशेः कर्म विषयताम आपन्नम लभते एव। ठीक है, उनको उपलब्ध होता है कैसे, पर रूपेण आत्म रूपमिति, पर है यहां पर पुरुष, प्रकृति से भिन्न जो पर अन्य भिन्न वो है पुरुष, तो पुरुष रूपेण, रूपेण मतलब उसकी उसकी दृष्टि से, उसके दर्शन से, पुरुष की पर रूपेण आत्म रूपमिति, आत्मा मतलब उसका अपना जो स्वरूप है प्रकृति का, आत्मा के दर्शन के द्वारा प्रकृति अपने रूप में प्रकट होती है। प्रकृति का जो अपना स्वरूप है वो कब प्रकट माना जाता है, एक दृष्टि, एक तो यह है कि वो बन गई है तो अपने आप में प्रकट है पर उसको कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन आत्मा के द्वारा जब उसका दर्शन किया जाता है, जब वो जानी जाती है तब वो अपने रूप में प्रकट होती है, उसका प्रकटीकरण तब होता है जब उसको देखने वाला कोई होता है। तो उसी बात को यहाँ पर कहा, तेषाम दृश्य कर्म विषयताम आपन्नम लभते एव, जब वो दृश्य दर्शन शक्ति के द्वारा कर्म शक्ति के कर्म रूप में वहां पर उपलब्ध होता है, कैसे, पर रूपेण पुरुष की, पुरुष के पीछे जो इसकी भूमिका के अंदर भी कहा था ना, तत्स्वरूपम तु पररूपेण, पररूपेण मतलब पुरुषस्य दर्शनेन, पररूपेण आत्मरूपम इति, आत्मरूपम हो गया अपने व्यक्त रूप में कार्य रूप में, आत्मरूपम इति दूसरे रूप में पुरुष के द्वारा वो प्रकट रूप में आता है। वस्तु कार्य रूप में आएगी तो वो प्रकट हो जाती है, एक एक दृष्टि से कहेंगे, दूसरा देखने वाला कोई हो या ना हो तो अपने रूप में प्रकट हो गई, मिट्टी से घड़ा बनना था वो बन गया, वो अपने रूप में है, ये एक दृष्टि हुई। दूसरा है कि वो प्रकट तब होगा जब कोई देखने वाला होगा उसको, नहीं तो वो घड़ा प्रकट प्रकट नहीं है, पुस्तक प्रकाशित हो गई, एक प्रयोग, एक दृष्टि तो यह है कि पुस्तक छप गई तो हम कहते हैं कि पुस्तक प्रकाशित हो गई, बस छप गई है हम कहेंगे प्रकाशित हो गई है, किसी ने देखी नहीं है अभी, एक प्रकाशन यह है कि छप गई और दूसरे उसको प्राप्त करके देख रहे हैं पढ़ रहे हैं, ये है उसका प्रकाशन, दूसरों के लिए वो उपलब्ध हो गई, अब ये प्रकाशित हो, प्रकाशित को दो दृष्टि से कहा जा सकता है। तो यहाँ ये कब प्रकट होती है, दूसरी दृष्टि से कहा गया, जब पुरुष के दर्शन के द्वारा वो अपने रूप में आती है, पुरुष जब उसको जानता है देखता है तब वो रूप में आती है। और कुछ लोग इसके दूसरे ढंग से भी व्याख्या करते हैं, पर रूपेण आत्म रूपम इति, दूसरे भिन्न अपने भिन्न रूप के साथ वो अपने रूप को प्रकट करती है, ये प्रकृति का अपना जो रूप है स्वरूप है मूल प्रकृति का, वो अपने भिन्न रूप यानी कार्य के रूप में प्रकट होती है, वो भिन्न रूप में आ गई। अच्छा, और किसी को बोलिए, बाईसवें सूत्र के भाष्य की अंतिम पंक्ति, इसमें धर्मी और धर्म ये शब्द आए हैं, तो धर्मी से हम प्रकृति को लेंगे और धर्म से हम कार्य जगत को लेंगे जी। तो कार्य जगत के साथ तो उसका संयोग हम कह सकते हैं आत्मा का, कारण जगत के साथ किस तरह से सिद्ध करेंगे, परंपरा से कार्य जगत से संपर्क हुआ है तो कारण से भी हो गया, यानी सत्वरस्तम त्रिगुणात्मक ये है तो उसके साथ संयोग माना जाएगा जी। अगर हम ऐसा मानेंगे तो जी यहाँ पर धर्मी के साथ जो संयोग है उसको यहाँ हेतु के रूप में लिया है, अगर हम कार्य जगत के साथ कारण के संयोग को लेंगे तो फिर वहाँ धर्म को हेतु के रूप में लेकर के बताना चाहिए था, ऐसा नहीं है। देखो सत्वरस्तम को यहाँ पर धर्मी कहा गया है और प्रकृति पुरुष संयोग की ही बात करते हैं ये, ठीक है, कितनी जगह करते हैं प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है, वो प्रकृति पुरुष का संयोग होता है, तो मूलतः तो प्रकृति पुरुष का ही संयोग हुआ है,
किस रूप में? कार्य जगत के रूप में हुआ, कार्य जगत के रूप में। अब कोई कहे हमारा स्वर्ण के साथ में संयोग हुआ, किस रूप में हुआ? आभूषणों के रूप में। मनुष्य का सोने के साथ में संयोग हुआ, अब सीधे सीधे तो संयोग से, संयोग सोने से नहीं हो रहा है, आभूषणों के रूप में हो रहा है। तो पुरुष का सोने के साथ में संयोग है, क्यों? उसका संयोग होने से जो उसके जो धर्मी है उनके साथ भी संयोग माना जाता है। इस रूप में ये कोई वचन दिया है, केवल मूल बात यहां पर थी कि धर्मी नाम अनादि संयोग, ये प्रकरण दिया, क्योंकि पीछे जो सारा कहा गया वो संयोग कहा गया है और मूल प्रकृति को कथन किया गया है। वैसे यहां पर मूल प्रकृति और कार्य जगत पर्याय रूप में भी कहे जाते हैं, एक दूसरे की जगह पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मूल प्रकृति कह देंगे, कार्य जगत कह देंगे, हमारे को समझ लेना है दोनों जगह पे। तो धर्मी नाम अनादि संयोग, धर्मी के साथ में अनादि संयोग होने से धर्म मात्र से भी अनादि संयोग माना जाता है। और आप दूसरे ढंग से कोई लेना चाहे, कोई व्याख्या करना चाहे कि भाई धर्मी तो हो गया कार्य जगत और धर्म हो गए उसके गुण धर्म, उनसे संयोग भी अनादि हो जाता है, ठीक है, आप वैसा करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, ठीक है। और कोई आगे देखिए, तो 23वें सूत्र का प्रारंभ हमने देख लिया था भाष्य। अब यहां भोग और अपवर्ग दोनों की बातें वो तो बता दी, और ये जो संयोग है ये कब समाप्त होता है इसकी चर्चा प्रारंभ की जा रही है। दर्शन संयोग यानी तो बंधन, एक तरह से संयोग दुख का कारण है, संयोग स्वस्वामी शक्ति की उपलब्धि का भी कारण है, दोनों बातें बताई गई। और ये संयोग है बंधन, तो बंधन से हमें छूटना है, ये कैसे छूटेगा, तो उस संदर्भ में विवेचना चलाई जा रही है। कहते हैं दर्शन कार्यावसान संयोग, संयोग कैसा होता है? दर्शन रूपी कार्य के साथ अवसान को प्राप्त होने वाला होता है। दर्शन यानी ज्ञान विद्या, ठीक ठीक ज्ञान हो जाना, उस ये जो एक कार्य है दर्शन कार्य, दर्शन हो जाना, इसके साथ साथ संयोग समाप्त होने वाला होता है, या दर्शन कार्य के द्वारा समाप्त होने वाला होता है ये संयोग। जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक संयोग समाप्त नहीं होगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये संयोग समाप्त नहीं होगा, चलता रहेगा, एक के बाद एक चलता रहेगा, मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो संयोग कैसा है? दर्शन कार्य के द्वारा समाप्त होने वाला है, दर्शन होते होगा वो समाप्त हो जाएगा, अर्थात दर्शन उस संयोग की समाप्ति का कारण है। दर्शन कार्यावसान संयोग, ये एक वचन बताया, सिद्धांत बताया, इति इस कारण से दर्शनम वियोगस्य कारणम उत्तम, जो दर्शन है वो वियोग का कारण हो गया। दर्शन से, ज्ञान से, ज्ञान के होने तक संयोग रहता है, इसका मतलब है दर्शन यानी ज्ञान हो गया तो क्या होगा, संयोग नहीं रहेगा, संयोग नहीं रहेगा तो क्या होगा, वियोग हो जाएगा। तो चूंकि दर्शन के होने तक संयोग बना रहता है, अर्थापत्ति दर्शन के होने पर संयोग नहीं रहता, अर्थात दर्शन वियोग का कारण है, बंधन से छूटने का कारण दर्शन है। तो दर्शनम वियोगस्य कारणम उक्तम, दर्शन को वियोग का कारण कहा गया है, कहा जाता है। आगे दर्शनम अदर्शनस्य प्रतिद्वंदी इति अदर्शनम संयोग निमित्तम उक्तम, दर्शन जो है वो अदर्शन का प्रतिद्वंदी है, ज्ञान अज्ञान का प्रतिद्वंदी है, विपरीत है, विरोधी है, इसलिए अदर्शनम संयोग निमित्तम उत्तम, अदर्शन को संयोग का कारण माना गया है,
दर्शन वियोग का कारण है और दर्शन का विपरीत अदर्शन है, तो वियोग का विपरीत संयोग है। दर्शन वियोग का कारण है तो अदर्शन संयोग का कारण, इसलिए इन्होंने कहा दर्शनम अदर्शनस्य प्रतिद्वंदी इति अदर्शनम संयोग निमित्तम उक्तम, अदर्शन को संयोग का कारण माना गया है, बंधन का कारण अविद्या और मुक्ति का कारण वियोग का कारण विद्या दर्शन। अब एक बात कह रहे हैं, नात्र दर्शनम मोक्ष कारणम, ये जो दर्शन है ज्ञान है ये मोक्ष का कारण नहीं है। अभी तक तो यही पढ़ के आए, ज्ञानानुभूति दर्शन से होता है, तो क्या कह रहे हैं इस विषय में, नात्र दर्शनम मोक्ष कारणम, दर्शन मुक्ति का कारण नहीं है, सीधा कारण है। लेकिन उसको मोक्ष का कारण क्यों कहा जाता है, बोले अदर्शन अभावादेव बंधाभाव, अदर्शन का अभाव अविद्या का अभाव होने पर बंधन का अभाव हो जाता है, यह मुक्ति है। समोक्ष इति उसे मोक्ष कहते हैं। तब इसमें इस पंक्ति के अंदर देखेंगे, विद्या यानी दर्शन मुक्ति का कारण नहीं है, अविद्या का हटना मुक्ति का कारण है। यद्यपि ये दोनों वाक्य बोले जाते हैं और दोनों को ही ठीक ही माना जाता है, प्रवचन में भी और भी सब जगह, मुक्ति कैसे होगी विद्या से होगी, मुक्ति कैसे होगी अविद्या के समाप्त होने पर होगी, दोनों कथन किए जाते हैं और वैसे कोई दोष भी नहीं है दोनों में, ठीक ही है। लेकिन यहां एक बिंदु को बताने के लिए सूक्ष्मता से कहा जा रहा है कि ज्ञान यानी दर्शन मुक्ति का कारण नहीं है, दर्शन के कारण ज्ञान के कारण मुक्ति नहीं हो रही है, अदर्शन के न होने के कारण मुक्ति हो रही है। दर्शन से अदर्शन हट जाएगा, विद्या से अविद्या हट जाएगी, ये ठीक है, लेकिन मुक्ति का कारण कौन सा है, ज्ञान का होना मुक्ति का कारण है या अज्ञान का हटना मुक्ति का कारण है, तो इसके अंदर इनका निर्णय क्या है, अदर्शन का हटना मुक्ति का कारण है। ज्ञान होगा, ज्ञान के होने से अज्ञान हटेगा और अज्ञान के हटने से मुक्ति होगी, ये क्रम दिया इन्होंने। पंक्ति फिर देखिए, नात्र दर्शनम मोक्ष कारणम, दर्शन मोक्ष का कारण नहीं है सीधे सीधे। अदर्शनाभावाद एव बंधाभाव, अदर्शन का अभाव होने पे बंधन का अभाव हो जाता है, समोक्ष है वो मोक्ष है, क्योंकि तो बंधन का कारण क्या था, अदर्शन, बंधन का कारण अदर्शन अविद्या, तो बंधन के हटने का कारण अदर्शन का हटना, अदर्शन है तो बंधन है और अदर्शन नहीं है तो बंधन नहीं है, मुक्ति हो जाएगी, तो अदर्शन का हटना ये मुख्य बात है। आगे, दर्शनस्य भावे बंध कारणस्य अदर्शनस्य नाश, जब दर्शन हो जाता है उसका भाव हो जाता है विद्या आ जाती है तो बंध कारण से अदर्शन से नाश, बंधन का कारण अदर्शन अविद्या, बंधन से कारण से अदर्शन से नाश, उसका नाश भी हो जाता है, अविद्या आती है तो अविद्या हट जाती है, दर्शन आया तो अदर्शन हट जाता है। इत्यतो इस कारण से दर्शनम ज्ञानम कैवल्य कारणम उक्तम, इसलिए दर्शन, दर्शन शब्द को ही आगे खोल दिया, ज्ञानम वही विद्या ज्ञान शुद्ध ज्ञान, ये कैवल्य का कारण कह दिया जाता है, वास्तव में नहीं है, कहने में दोष नहीं है लेकिन इसको परंपरा से, क्योंकि दर्शन से ज्ञान से अज्ञान हटता है इसलिए दर्शन को ज्ञान को मुक्ति का कारण कहा जाता है, मूलतः वो कारण नहीं है, तत्काल पूर्व वाला कारण नहीं है, इसीलिए जो हम लोक के अंदर देखते हैं कि ज्ञान तो हो गया, ज्ञान का मतलब कुछ पढ़ लिया समझ लिया कुछ बातें आ गई लेकिन स्थिति प्राप्त नहीं हो रही है, कारण
उस ज्ञान से जो अज्ञान हटना था वो नहीं हटा है। सूचना तो आ गई, अविद्या नहीं हटी है वो। और दूसरे ढंग से इसको यूं भी समझाया जाता है कि वास्तव में ज्ञान आया ही नहीं है अभी, कि ज्ञान आ जाता तो अज्ञान हट ही जाता। लेकिन ज्ञान दो तरह से, एक हम ग्रंथ पढ़ के, प्रवचन सुन के, विचार के, कुछ हमने विचारा है, लेकिन जो उस ज्ञान के कारण से अविद्या हटनी चाहिए थी, अदर्शन हटना चाहिए था, वो नहीं हटा है। अभी देख लिया हमने, समझ लिया कि सांसारिक सुखों में दुख है, काम क्रोध लोभ मोह ये हमारे दुख के कारण है, परिग्रह हमारे दुख का कारण है, ये तो जान लिया हमने। लेकिन ये सब चीजें हितकारी जिस अविद्या के कारण दिखाई दे रही हैं, वो अविद्या तो नहीं हटी है अभी, इसलिए स्थिति नहीं प्राप्त होती, मुक्ति नहीं होती। तो अगर इन दोनों में तुलना की जाए कि दर्शन मुक्ति का कारण है या अदर्शन मुक्ति का कारण है, अदर्शन का हटना मुक्ति का कारण है, दोनों में की जाए, सामान्य रूप से दोनों कहा जा सकता है, लेकिन जब दोनों में ही हो कि इनमें से मुख्य कौन सा है, तो अदर्शन का हटना ये मुक्ति का कारण है, अविद्या हटनी चाहिए, उस बात की तरफ यहां संकेत किया। तो ये अदर्शन क्या है, अदर्शन क्या है, ये अदर्शन क्या है, संयोग अदर्शन क्या है, ये प्रश्न उठेगा। जो अदर्शन बंधन का कारण है, जिस अदर्शन के हटने पर मुक्ति होती है, तो अब केंद्र क्या बनेगा हमारा, अदर्शन। ठीक है, योग दर्शन के अंदर विद्या का स्वरूप बताया गया, अविद्या का स्वरूप बताया गया, किसका स्वरूप बताया गया, अविद्या का बताया, विद्या का भी बताया क्या, विद्या को तो समझ लेते हैं उससे, पीछे जो हम सूत्र देख करके आए, अनित्य शुचि दुखानात्म सु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या, तो विद्या का भी कोई सूत्र बताया गया कि विद्या इसे कहते हैं, ये तो हम इससे तात्पर्य से निकालते हैं, तस्मिन तत् हो, अनित्य को अनित्य समझे, अशुचि को अशुचि समझे इत्यादि, ये तो हम उसे अर्थापत्ति से निकालते हैं, भाई ये कहा गया है तो इसके विपरीत विद्या होगी, ठीक बात है और उसमें दोष भी नहीं है, लेकिन सूत्र की प्रवृत्ति आप देखिए, सूत्रकार ने कोई सूत्र विद्या का बताया क्या कि इसे विद्या कहते हैं, एक भी सूत्र अभी तक तो नहीं है, आगे भी देख लेंगे आएगा नहीं आएगा, समझाया जाता है विद्या किसे कहते हैं, लेकिन सूत्र नहीं बनाया, सूत्र अविद्या का बनाया, विद्या का सूत्र भी बना सकते थे, अविद्या का ना बताते, बनाते विद्या का बता देते, अनित्य में अनित्य ख्याति, अशुचि में अशुचि ख्याति, ये विद्या है, और इस सूत्र को बनाने से हम अर्थापत्ति से निकाल लेते, अनित्य में नित्य ख्याति, अशुचि में शुचि ख्याति, ये अविद्या है, ज्ञान में तो कोई अंतर नहीं आ रहा था ना हमारे, अभी भी जो सूत्र है हम अर्थापत्ति से भी विद्या को जान लेते हैं, और विद्या का सूत्र होता तो भी हम अर्थापत्ति से निकाल लेते, बहुत सरलता से आ जाता, कोई अंतर पड़ रहा था उससे, कुछ अंतर पड़ेगा क्या, विद्या और अविद्या के स्वरूप को जानने में सूत्रकार ये सूत्र रचना की जो अविद्या की और विद्या की करते, कोई अंतर पड़ता क्या, विद्या और अविद्या के स्वरूप में जानने में कोई अंतर पड़ता क्या, नहीं पड़ता, तो फिर भी उन्होंने अविद्या का ही दिया, तो कोई तो यूं कह सकता है अशोक वाटिका ने आज, ठीक है जब अंतर नहीं पड़ रहा था तो चाहे विद्या का स्वरूप बता दिया चाहे विद्या का बता देते, एक ही बात है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें कौन सा बात, लेकिन वो वैसा सामान्य नहीं है कि चलो चाहे तो विद्या का बता दो चाहे विद्या का बता दो, पढ़ने वाले बुद्धिमान है अर्थापत्ति से अर्थ निकाल ही लेंगे दोनों का, कुछ भी बता दो ये प्रयोजन नहीं है, ये यहां जो ये बात कही जा रही है, अदर्शन बंधन का कारण है और अदर्शन का हटना ये मुक्ति का कारण है, दर्शन परंपरा से मुक्ति का कारण है, निषेध नहीं कर रहे हैं उसका भी, कहा जाता है वो कि दर्शन से अदर्शन हटेगा,
और फिर मुक्ति होगी। अब आप दर्शन और अदर्शन में देखें, हम दर्शन लाएं तो अदर्शन हटेगा या अदर्शन हटाएं तो दर्शन आएगा, सोच के देखिए। विद्या लाएं तो अविद्या हटेगी या अविद्या हटाएं तो विद्या आएगी, दोनों तरह से बोल रहे हैं। रणजीत जी कह रहे हैं अविद्या हटेगी तो विद्या आएगी, एक तो ये कहा और कुछ कह रहे हैं कि विद्या आएगी तो अविद्या हटेगी। विचारने की बात है, एक छोटी सी बात है वैसे ये, लेकिन साधना की दृष्टि से और इस विषय को समझने के लिए दोनों में अंतर, दृष्टि भेद हो जाता है। जो विद्या को मुख्य कारण मानते हैं वो विद्या में लगे रहते हैं, उस तरफ प्रवृत्ति अधिक होती है उनकी, शास्त्रों को पढ़ने में, प्रवचन सुनने में और ऐसा। और जो अविद्या को मुख्य कारण मानते हैं वो पढ़ने के साथ साथ ये देखेंगे अविद्या कितनी हटी है मेरी, नहीं तो बस ये है कि हाँ विद्या आ जाएगी और मुक्ति हो जाएगी, विद्या आ जाएगी मुक्ति हो जाएगी, विद्या के पीछे पड़े हैं एक साल, दो साल, दस साल, बीस साल, पूरा जीवन विद्या की प्राप्ति में, क्योंकि ज्ञानान मुक्ति, विद्या से मुक्ति होती है, एक प्रवृत्ति अलग बन जाती है। अगर शुद्ध ढंग से दर्शन किया है, विद्या की है, तो अविद्या हटेगी ही, लेकिन जब अविद्या हटाने के प्रति दृष्टि नहीं रहती है तो वो इस ढंग से विद्या को ग्रहण करता है कि अविद्या हट नहीं पाती है उसकी, लगभग वैसे ही चलता रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा जितना समझ लिया, नहीं तो बस विद्या प्राप्ति, विद्या प्राप्ति, विद्या प्राप्ति, वो चला जाएगा। तो उस बात की तरफ संकेत है, अविद्या का हटना ये मुख्य बात है। तो नात्र दर्शनम मोक्ष कारणम, अब इतनी पंक्ति को लेकर के कोई वैसे खंडन करने लग जाए कि देखो ये तो ज्ञान को मुक्ति का कारण ही नहीं मानते, यानी पूरे परिप्रेक्ष्य को देखेंगे, अगली पंक्ति भी देखेंगे, लेकिन अदर्शना भावादेव बंधा भावा समोक्ष। तो दर्शनस्य भावे बंध कारणस्य अदर्शनस्य नाश, दर्शन का भाव होने पर बंध कारण के अदर्शन का नाश होता है। दर्शन की ये महत्ता है, ज्ञान की ये महत्ता है कि अगर ये नहीं होगा तो अदर्शन हटेगा नहीं, उसके लिए अनिवार्य है, ये निषेध नहीं किया जा रहा है, दर्शन का निषेध नहीं, ज्ञान का निषेध नहीं किया जा रहा है, बिना दर्शन के तो अदर्शन हटेगा कैसे, तो दर्शन तो करना ही है, ज्ञान तो लेना ही है, किंतु ज्ञान लेते हुए ये ध्यान रखना है कि अदर्शन हट रहा है या नहीं, अविद्या हट रही है नहीं, ये मुख्य बात होगी। तो इत्यतो तो दर्शनम ज्ञानम कैवल्य कारणम उक्तम, ये जो दर्शन और ज्ञान है ये कैवल्य का कारण कहा गया। अब सारा केंद्र किस पे ले लिया इन्होंने, अदर्शन के। अदर्शन क्या है, बंधन का कारण क्या है, किसको हटाएं तो बंधन हट जाएंगे, तो वैसे तो स्पष्ट ही है आप लोगों को, कोई इसमें भ्रांति थोड़ा ना है। अदर्शन क्या है, अविद्या का सूत्र बना ही रखा है, वो अदर्शन है। तो इस अदर्शन को कैसे कैसे कहा जा सकता है देखते हैं। देखो इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं और आप लोग भी सोचेंगे कि भाई इसमें से कौन सा वास्तव में अदर्शन है। इसमें इन्होंने आठ तरह से व्याख्या की है, आठ विकल्प दिए हैं अदर्शन क्या होता है, तो देखते हैं। आपको बड़े विचित्र विचित्र लगेंगे कि ये भी अदर्शन है, इसको क्या अदर्शन कह दिया, इसको क्या अदर्शन कह दिया। देखिए तो किंचे इदम अदर्शनम नाम, ये अदर्शन क्या है, तो पहला कहा किम गुणानाम अधिकार, गुणों का जो अधिकार है, अधिकार क्या, कार्यारंभण सामर्थ्य, कार्य को आरंभ करने की शक्ति सामर्थ्य, कार्य मतलब ये कार्य जगत, मूल प्रकृति से, गुणों से, गुण यानी तो मूल प्रकृति सत्वरस्तम, इनसे जो कार्य जगत उत्पन्न होता है, तो सत्वरस्तम में कार्य जगत को उत्पन्न करने की जो सामर्थ्य है वो कहते हैं कार्यारंभण सामर्थ्य, उनका अधिकार वो ये चीजें बना सकते हैं, क्या ये अदर्शन है। दूसरा आहोस्वित अथवा दूसरा विकल्प कह रहे हैं, अथवा
ऋषि रूपस्य स्वामिनः दर्शित विषय से प्रधान चित्त से अनुत्पाद। ऋषि रूपस्य स्वामिनः, ऋषि शक्ति जो दर्शन शक्ति जो पुरुष था आत्मा था उसके, ऋषि रूपस्य स्वामिनः, और कैसा है वो? दर्शित विषय से दिखाए गए हैं विषय जिसके लिए, ऐसा जो, ये चतुर्थी लगा के करेंगे, दर्शिता विषयाः यस्मै स तस्य, दिखाए गए हैं विषय जिसके लिए उस पुरुष के, प्रधान चित्तस्य अनुत्पादः, प्रधान चित्त का उत्पन्न ना होना। चित्त मतलब चित्त मन है ही, और यहां प्रधान चित्त का मतलब है मुख्य चित्त है, मुख्य चित्त का मतलब जो विवेक ख्याति से युक्त है, उसका विवेक ख्याति वाला चित्त उत्पन्न ना होना। ये जो दृष्टा पुरुष है, जो देखता ही रहता है, जिसके लिए सारे विषय दिखाए जाते हैं, उसका विषय तो दिखाए जा रहे हैं इंद्रियों के द्वारा, विषय भी उपस्थित है, कार्य जगत उपस्थित है, विषय भी दिखाए जा रहे हैं, इंद्रियां हैं, सारी व्यवस्था बनी हुई है, इस देखते हुए पुरुष का प्रधान चित्त उत्पन्न न होना, विवेक उत्पन्न न होना, ये अदर्शन है। कैसा लग रहा है? गुणों का अधिकार है उसका, अदर्शन से क्या लेना देना है? अदर्शन का मतलब क्या? अदर्शन का मतलब अविद्या। तो गुणों का अधिकार है उसका, अविद्या से क्या लेना देना है, ऐसा हमारे मन में आएगा, और ऐसे बहुत सारे जो आगे भी विकल्प आएंगे वहां भी आएगा। तो इसको समझने के लिए एक बिंदु ध्यान रखना है, लाक्षणिक प्रयोग होते हैं। यहां अदर्शन किसको कहा गया पीछे? अदर्शन क्या है? बंधन का कारण है। अदर्शन क्या है? बंधन का कारण है। अब अदर्शन को आप अदर्शन के रूप में, अविद्या के रूप में नहीं देखना जो अभी तक सोचते हैं। अदर्शन मतलब अविद्या, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, ये जो हमारे मन में बैठा हुआ है वो मत लेना, वो लेंगे तो ये समझ में नहीं आएंगे। अदर्शन का मतलब क्या? बंधन का कारण, पीछे यही तो बताया जा रहा था। दर्शन क्या है? दर्शन वियोग का कारण है, यानी बंधन को हटा देता है। दर्शन अदर्शन बंधन को लाता है, और अदर्शन का अभाव बंधन को हटा देता है। ये जो सारी चर्चा की जा रही है तो इनमें कारण कार्य संबंध है। अदर्शन बंधन का कारण है, तो अदर्शन कारण हो गया और बंधन कार्य हो गया, कारण कार्य संबंध है। और कारण कार्य में एक दूसरे का कथन कर दिया जाता है, कार्य से कारण का, कारण से कार्य का, ये प्रयोग होते देखे जाते हैं। वायु जीवन है, जल जीवन है, तो जल के कारण से जीवन है या जल ही जीवन है? वायु के कारण से जीवन है या वायु ही जीवन है? जबकि दोनों में कारण कार्य संबंध है, वायु से जीवन होता है, वायु कारण है और जीवन कार्य है, लेकिन वायु को ही जीवन कह दिया जाता है, कारण को ही कार्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, ये होता है। अब शैली से देखिए कि अदर्शन क्या है? बंधन का कारण है। अदर्शन का मतलब बंधन का कारण। तो अब अदर्शन शब्द को, यदर्शन शब्द का जो योग रूढ़ी अर्थ है अज्ञान मिथ्या ज्ञान, वो नहीं लीजिए, अदर्शन को लीजिए, यहां जो अर्थ बताया जा रहा है बंधन का कारण। तो अब ये जो प्रश्न है, किंच इदम अदर्शनम नाम, ये अदर्शन क्या है? अब इसकी जगह वाक्य ये ले लीजिए कि बंधन का कारण क्या है, बंधन का कारण क्या है? अब इसको देखिए, किम गुणानाम अधिकार है, ये जो गुण थे सत्वर स्तंभ, इनका कार्यारंभण सामर्थ्य, कि कार्य रूप में बदल सकते हैं क्या, यही हमारे बंधन का कारण है? अगर सत्वर स्तंभ त्रिगुण कार्य रूप में न बदले तो क्या बंधन हो सकता है हमारा? नहीं हो सकता है। तो बंधन का कारण है या नहीं है? सत्वर स्तंभ का, त्रिगुणों का कार्य रूप में आना, त्रिगुणानाम अधिकार है, त्रिगुणों का जो अधिकार है कार्य रूप में ये बदलते हैं, अगर ये नहीं हो तो बंधन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए ये भी अदर्शन है, बंधन का कारण हुआ,
बंधन का कारण है या नहीं है? घड़ा बन रहा है, घड़े के बनने में बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना, मिट्टी भी कारण है, पानी भी कारण है, कुम्हार भी कारण है, चाक भी कारण है, और भी चीजें जोड़ सकते हैं। अगर इनमें से एक भी नहीं हो तो बंधन घड़ा बनेगा क्या? ऐसे ही बंधन में ये भी कारण है। पानी को बंधन, पानी को घड़े का कारण कह सकते हैं या नहीं? कह सकते हैं ना, पानी नहीं होगा तो घड़ा नहीं बनेगा। ऐसे ही एक सत्वरजतम का कार्यारंभण सामर्थ्य, ये बंधन का कारण है। और जो बंधन का कारण हुआ है उसको क्या कहते हैं? अदर्शन कहते हैं। बंधन का कारण अदर्शन होता है ना, अदर्शन बंधन का कारण है, बंधन का कारण है वो अदर्शन कहला सकता है। अब इस दृष्टि से अदर्शन देखिए, तो ये अदर्शन क्या है, बंधन का कारण क्या है, अब आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अगर अदर्शन का मतलब अविद्या अज्ञान ही लेंगे तो गुणों का सामर्थ्य, कार्यारंभण सामर्थ्य, ये अदर्शन समझ में नहीं आएगा। और भी विकल्पों पर घटाते रहिए। किम गुणानाम अधिकार, गुणों का कार्य रूप में बदलना क्या ये बंधन का कारण है? अदर्शन की जगह पे मैं बंधन का कारण शब्द, बंधन का कारण है या नहीं है? एक है। अब यूं चर्चा चल रही है कि भाई वास्तव में बंधन का कारण क्या है, ये चीजें आठ चीजें गिनाएंगे। ये पहला हुआ। दूसरा है आहुस्वित दृषि रूपस्य स्वामिनो दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य अनुत्पादन, ये संसार को देखने वाला जो पुरुष है जिसके लिए सारे विषय दिखाए जा रहे हैं उसमें विवेक बुद्धि का न पैदा होना, ये अदर्शन है, बंधन का कारण है। जब तक विवेक बुद्धि पैदा नहीं होगी तब तक बंधन बना रहेगा, जैसे ही विवेक बुद्धि पैदा हो गई तो ये समाप्त हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। इस दृष्टि से दूसरा विकल्प बंधन का कारण, तो बंधन कब तक है? जब तक विवेक बुद्धि प्रधान चित्त का उत्पत्ति नहीं हो जाती तब तक के लिए, शुद्ध बुद्धि की, शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो जाती। अच्छा, इस पंक्ति का दूसरे ढंग से अर्थ करते हैं। दर्शित विषय से जो शब्द था इसका समास जो है अभी किया था इसको चतुर्थी मान करके, चतुर्थी बहुवी करके, दर्शिता विषया यस्मई, दर्शित विषय तस्य दर्शित विषय से। अब इसको तृतीया के रूप में भी देख सकते हैं, तो ये घटेगा आगे से। आगे कौन है? प्रधान चित्त, दर्शिता विषया यया, प्रधान चित्त तो ये न कह लीजिए, दर्शिता विषया ये न, सदर्शित विषय तस्य दर्शित विषय से, दिखाए गए हैं विषय जिसके द्वारा, ऐसा जो प्रधान चित्त है उसका अनुत्पाद। तो दर्शित विषय से को विशेषण को हम प्रधान चित्त से के साथ भी जोड़ सकते हैं, उसमें भी षष्ठी है, और पीछे का जो दृषि रूप से स्वामी न है उसके साथ भी, दोनों तरह से व्याख्या की जाती है। मूल तात्पर्य में कहीं कोई भेद नहीं आएगा, दोनों ही जगह घट सकता है। अच्छा, प्रधान चित्त का अनुत्पाद क्यों कहा गया ये इनके द्वारा, उसको थोड़ा सा और खोल रहे हैं, दूसरा विषय कह रहे हैं। स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमाने यो दर्शनाभावः, स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमाने, इसका अन्वय ऐसा करेंगे, दृश्ये विद्यमाने स्वस्मिन् यो दर्शनाभावः, दृश्य दृश्य के विद्यमान होने पर भी, दृश्य ये कार्य जगत जो विद्यमान है, और ये कैसा है, स्व है, स्वर स्वामी दो शब्द आए थे, स्वर स्वामी दो शब्द आए थे, स्व का मतलब जो हमारा बना हुआ है यानी वही संसार दृश्य, तो स्वस्मिन शब्द यहां पर सती सप्तमी के रूप में स्व शब्द के लिए बनाया है, स्वस्मिन दृश्य विद्यमाने, इस दृश्य के जो कि स्व रूप है, जो विद्यमान है, विद्यमान होने पर भी, स्वस्मिन दृश्य विद्यमाने, इस दृश्य के जो स्वरूप है उसके होने पर भी, आप सीधे भी लगा सकते हैं स्वस्मिन दृश्य विद्यमाने, यदि अर्थ स्पष्ट है तो इस क्रम से भी लग जाएगा, नहीं तो दृश्य विद्यमाने, कैसा दृश्य, स्वस्मिन अथवा दृश्य स्वस्मिन विद्यमाने, स्वस्मिन दृश्य विद्यमाने, स्वरूप दृश्य के होने पर भी, नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, विद्यमान होने पर भी दर्शनाभाव, दर्शन का भाव हो जाना, उनका ठीक ठीक रूप पता ना लगना, वस्तु है लेकिन हमें ज्ञात नहीं हो रही है,
क्या इसका नाम अदर्शन है? क्या यह बंधन का कारण है? वस्तु ना हो और हमें पता ना लग रही हो, इसको तो कोई अदर्शन नहीं कहेगा। वस्तु है ही नहीं तो हमें पता भी नहीं लग रही है, ठीक है, ये तो सत्य ज्ञान है। जो वस्तु नहीं है और उसको हम नहीं के रूप में ही जान रहे हैं कि यह या नहीं है, तो उसमें मिथ्या क्या हुआ? वस्तु के होते हुए भी उसका ठीक ठीक ज्ञान न होना, ये दर्शन का अभाव है। दर्शन का अभाव है मतलब अदर्शन है। तो प्रधान चित्त का अनुत्पाद जो कहा गया उसको खोला जा रहा है कि जो ठीक ठीक विवेक है, इस संसार की वस्तुएं हैं, विद्यमान हैं, विद्यमान होते हुए भी उनको ठीक ठीक न जान पाना, विवेक युक्त बुद्धि से न देख पाना, ये अदर्शन है। जब तक संसार की वस्तुओं को, विद्यमान वस्तुओं को हम यथार्थ रूप में नहीं देखेंगे, तब तक बंधन बना रहेगा। और जैसे ही इनको यथार्थ रूप में देख लिया, बंधन का अभाव हो जाएगा। तो ये एक अलग विकल्प है। अदर्शन क्या है? तो आहुस्वी दृषि रूप से स्वामिनो दर्शित विषय से प्रधान चित्त से अनुत्पाद, इसी को आगे खोला, स्वस्मिन दृश्य विद्यमान यो दर्शनाभाव, वस्तु के होते हुए भी उसका ज्ञान न होना, ठीक ठीक ज्ञान न होना, ये दर्शनाभाव है, यानी अदर्शन है। क्या ये अदर्शन है? ये दूसरी बात है। बंधन के कारण की दृष्टि से ये ठीक है, जब तक ये रहेगा बंधन का कारण रहेगा, अदर्शन यानी बंधन का कारण, दूसरी बात होगी। तीसरा, किम अर्थवत्ता गुणानाम, गुणों की अर्थवत्ता, अर्थ कहते हैं प्रयोजन, प्रयोजन होता है पुरुष का, चेतन का। तो गुणों की अर्थवत्ता, सत्वरस्तम प्रकृति और प्रकृति से जुड़ा हुआ कार्य जगत, वो सब इसमें अंतर्भावित हो गए, मूल को कह दिया तो सब आ जाएंगे। तो गुणों की अर्थवत्ता यानी गुणों का, सत्वरस्तम का, पुरुष के प्रयोजन वाला बना रहना, क्या ये बंधन का कारण है? क्या ये अदर्शन है? अब इस पर केवल अदर्शन यानी अविद्या लेंगे तो ये तो बैठेगा नहीं यहां पर। गुणों की अर्थवत्ता का अज्ञान अविद्या से क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं। लेकिन अदर्शन यानी बंधन का कारण, जब तक गुणों में अर्थवत्ता बनी रहेगी, वो साधिकार रहेंगे, हमारा जीव का प्रयोजन पूरा नहीं कर देते, तब तक वो छोड़ने वाले नहीं है, बंधन बना रहेगा। और जब भोग और अपवर्ग रूपी अर्थ प्रयोजन पूर्ण हो गए, बची हट जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी। तो अदर्शन का ये स्वरूप क्या हुआ? किम अर्थवत्ता गुणानाम, गुणों की अर्थवत्ता, गुणों का अभी प्रयोजन वाला बना रहना, भोग और अपवर्ग को देने वाला बना रहना, भोग और अपवर्ग का पूरा ना होना, क्या ये अदर्शन है यानी बंधन का कारण है? इसको भी हम कह सकते हैं हाँ, ये भी बंधन का कारण है। मना कर सकते हैं क्या? जब तक आत्मा का भोग बाकी है और अपवर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक बंधन रहेगा। भोग पूरे हो गए और मुक्ति को प्राप्त कर लिया तो प्रकृति हट जाएगी, बंधन हट जाएगा। तो इस दृष्टि से यह बंधन का कारण है, कहा जा सकता है ना, कोई आपत्ति नहीं। तो किम अर्थवत्ता गुणानाम, ये तीसरा हुआ। चौथा, अथ अविद्या, क्या अविद्या ये अदर्शन है? अब ये वो अविद्या आ रही है जो हम प्रचलित में मानते हैं, मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, जिसको हम अदर्शन के लिए इसी अर्थ को लेते हैं, इस चौथे वाले को, प्रचलित अर्थ यही। तो इसमें फिर खोज की जाती है कि आठ हैं, आठ में से अदर्शन वास्तव में कौन सा है, तो इस अविद्या को ही बताया जाता है। ये अविद्या ही तो अदर्शन है, बाकी चीजें तो अदर्शन दिखाई नहीं देती हैं उनको, अदर्शन यानी अविद्या ही मान रखा है पहले से। तो ये चौथा आएगा विकल्प, यही दिखाई देगा, इन आठ में से वास्तव में कौन सा है अदर्शन का लक्षण, बोले ये अविद्या है। ठीक है, तो ये अविद्या। अब इसको दूसरे ढंग से देखिए, अदर्शन यानी बंधन का कारण, तो अविद्या भी बंधन का कारण है। जैसे पीछे की तीन चीजें बताई गई थी वो भी बंधन के कारण थे, कोई निषेध कर सकता है क्या कि ये बंधन के कारण नहीं है? ऐसे ही अविद्या भी बंधन का कारण है, इसका भी कोई निषेध नहीं कर सकता। तो अथ अविद्या, ये चौथा बात हुई। इस अविद्या को थोड़ा और आगे खोल रहे हैं।
अविद्या के बाद अल्प विराम लगा सकते हैं, अथ विद्या। कैसी? स्वचित्तेन सह निरुद्धा स्वचित्तस्य उत्पत्ति बीजम। अपने चित्त के साथ में जो निरुद्ध है, बंधी हुई है, चित्त में रहती है अविद्या, पीछे आया है, ये सारी चीजें हैं अविद्या आदि, कहां रहती है? चित्त में रहती है, आत्मा में नहीं, चेतन में नहीं, अभी चित्त में रहती है। तो स्वचित्तेन सह निरुद्धा, अपने चित्त के साथ में निरुद्ध। स्व मतलब किसके? आत्मा के। आत्मा का जो अपना जिस जिस का जो चित्त है, उसकी अपने अपने संबंधित चित्त में उसकी अविद्या विद्यमान है, तो स्वचित्तेन सह निरुद्धा उसके साथ विद्यमान है। और स्वचित्त से उत्पत्ति बीजम, और वो अपने चित्त की उत्पत्ति का कारण भी है। एक स्वचित्तेन सह निरुद्धा का एक मतलब है कि जब चित्त प्रलय अवस्था में समाप्त होता है तो अविद्या रहती है, आगे फिर आएगी, अब वो उस अविद्या के कारण ही फिर से चित्त का निर्माण होगा उसका। अपने चित्त की उत्पत्ति का बीज, उसको जो चित्त मिलता रहेगा, उसका कारण कौन है? मूल कारण क्या है? अविद्या है। कर्म को नहीं कहा जा रहा है, ध्यान देना। कर्म के अनुसार बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन मूलतः जो चित्त हमें मिला है, जो कि बंधन का कारण है हमारे, उसका कारण अविद्या है। तो अथ अविद्या कैसी? स्वचित्तेन सह निरुद्धा स्वचित्तस्य उत्पत्ति बीजम। अपने चित्त की उत्पत्ति का बीज है, चित्त बन गया हमारे साथ रहेगा और हम बंधन में रहेंगे। ये चौथा कारण बताया। प्रश्न ये था किंच इदम अदर्शनम नाम, ये अदर्शन कौन सा है जो कि बंधन का कारण है, और जिस अदर्शन के हटने पर मुक्ति हो जाती है, वो अदर्शन क्या है? तो चार बातें यहां तक होगी, आगे देखिए। किम स्थिति संस्कार क्षय गति संस्काराभिव्यक्ति है, ये प्रकृति के बारे में कहा जा रहा है। स्थिति संस्कार और एक है गति संस्कार, दो शब्द दिए हैं। स्थिति संस्कार का क्षय होने पर, सत्वरस्तम जब मूल प्रकृति की अवस्था में, अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, सम अवस्था में रहते हैं, वो है स्थिति संस्कार, रुके हुए हैं बस वैसे, उस स्थिति संस्कार का तो क्षय हो जाए, यानी प्रकृति अपनी साम्यवस्था को तो छोड़ दे, स्थिति संस्कार का क्षय होना। ये संस्कार शब्द कई चीजों के लिए आता है। एक हमारे चित्त पे जो संस्कार पड़ते हैं, वासना रूप संस्कार वो है, कर्माशय रूप संस्कार है, धर्माधर्म रूप संस्कार है, और वैशेषिक में एक स्थिति स्थापक संस्कार भी माना जाता है। किसी डाली को नीचे खींचे और जैसे डाली को छोड़ें तो वो वापस ऊपर पहुंच जाती है, कोई रबड़ है, इलास्टिक है, जिसको हम खींचते हैं, जो खींचने वाली चीज खींच के छोड़ते हैं तो वापस वैसे आ जाते हैं। स्थिति स्थापक, किसी कीचड़ में पैर रखा, दलदल में नरम, जैसे ही पैर हटाया तो फिर वापस हो गया, नहीं तो दब जाता है, फिर हो जाता है, इत्यादि जो चीजें हैं वो भी संस्कार के रूप में कहा जाता है। तो यहां मूल प्रकृति का एक संस्कार, स्थिति संस्कार, साम्यावस्था वो बनी हुई है अभी, उसका क्षय हो गया। तो स्थिति संस्कार का क्षय होने पर क्षय गति संस्कार अभिव्यक्ति, गति संस्कार का प्रकट हो जाना, गति मतलब क्रिया होने लग गई, ये विषमावस्था आई, यानी मूल प्रकृति जब कार्य रूप में बदलने लग रही है, स्थिति संस्कार को छोड़ करके गति संस्कार में आ रही है, गति संस्कार की अभिव्यक्ति हो जाना, क्या ये बंधन का कारण है? क्या ये अदर्शन है? मूल प्रश्न तो वही है, ये अदर्शन क्या है? तो प्रकृति का स्थिति संस्कार को छोड़ के गति संस्कार में आ जाना, क्या ये अदर्शन है? तो फिर वही बात लागू होगी, यदि हम अदर्शन का मतलब मिथ्या ज्ञान और वही लेकर के चल रहे हैं तो कहेंगे नहीं, ये तो कोई अदर्शन नहीं हुआ, लेकिन ये भी एक अदर्शन है। किस रूप में? बंधन का कारण है। अगर प्रकृति स्थिति संस्कार को छोड़ करके गति संस्कार में ना आए तो बंधन नहीं हो सकता। इस जगह ये बिल्कुल ठीक बात है। आगे देखिए, इस विषय में ही कह रहे हैं, यत्र एदम उक्तम, जैसा कि इस विषय में कहा गया है, प्रमाण दे रहे हैं। प्रधानम स्थित्या एव वर्तमानम विकार अकरणात् अप्रधानम स्यात्। ये जो प्रधान यानी मूल प्रकृति है, स्थित्या एव वर्तमानम, यदि वो अपनी स्थिति में ही बना रहे, यानी साम्यावस्था में ही बना रहे, मूल प्रकृति साम्यावस्था में ही बनी रहे, तो स्थित्या एव वर्तमानम
विकार अकरणात्, क्योंकि वो विकार को नहीं बना रही है, यानी कार्य जगत को उत्पन्न नहीं कर रही है, तो अप्रधानम से आत, उसको प्रधान कैसे कहेंगे, वो तो अप्रधान हो जाएगी फिर। अगर प्रधान, जिसको हम प्रधान कहते हैं, प्रधान के साथ दूसरा शब्द है अप्रधान, यदि मूल प्रकृति कार्य रूप में न बदले तो उसको प्रधान भी कैसे कहेंगे, वो तो अप्रधान ही हो जाएगी। उसको प्रधान तो तब कहते हैं जब वो कार्य रूप में बदलती है, भाई सबका मूल कारण क्या है, वो प्रकृति है, तब उसको प्रधान शब्द से कहते हैं। अगर प्रकृति कार्य रूप में बदले ही नहीं तो वो तो फिर अप्रधान ही हो जाएगी, एक बात। दूसरा कहा, तथा गत्या एव वर्तमानम विकार नित्यत्वात् अप्रधानम स्यात्। और यदि ये जो गति, गति में ही विद्यमान रहे, गति संस्कार ही चलता रहे, यानी कार्य जगत के रूप में ही विद्यमान रहे और कारण रूप में कभी भी ना बने, तो गत्या एव वर्तमानम विकार नित्यत्वात्, फिर तो ये जो विकार है यही नित्य कहलाएंगे। अभी हम विकारों को अनित्य मानते हैं, कारण कि विकार नष्ट होकर अपने कारण में चले जाते हैं, कारण रूप में बदल जाते हैं। अगर ये कार्य द्रव्य ऐसे ही बने रहे, कार्य द्रव्य ऐसे ही रहे, कार्य द्रव्य तो हम अब बोल रहे हैं इसलिए, लेकिन जो ये वस्तुएं हैं ये बने रहें तो ये नित्य ही तो कहलाएंगे फिर। भाई कोई कार्य द्रव्य है, कार्य द्रव्य तो मैं नाम दे रहा हूं जो हम प्रचलित नाम है, इसलिए कोई वस्तु यदि सदा वैसी ही बनी रहे तो उसको नित्य ही तो कहेंगे। तो जब यही नित्य हो जाएगी तो वो नित्य मूल प्रकृति के नित्य को मानने की आवश्यकता ही नहीं है, तो वो भी अप्रधान हो जाएगी। तो दो दृष्टि से कथन किया गया, यदि मूल प्रकृति अपने स्थिति में ही रहती है तब भी वो प्रधान प्रधान नहीं कहलाएगी, वो अप्रधान हो जाएगी, और यदि कार्य जगत कार्य रूप में ही रह जाए तो भी वो मूल प्रकृति प्रधान नहीं कहला सकती, वो अप्रधान हो जाएगी, उसका कोई मानने की जरूरत ही नहीं है फिर, तो ये तो यही नित्य हो जाएगी। तो तथा गत्या एव वर्तमानम विकार नित्यत्वात् अप्रधानम स्यात्। उभयथा चास्य प्रवृत्ति ही प्रधान व्यवहारम लभते नान्यथा, दोनों ही तरह से, अर्थात ये कारण रूप में स्थिति रूप में भी रहती है और गति रूप में यानी कार्य रूप में भी आती है, दोनों तरह रहने से, उभयथा चास्य वृत्ति, दोनों तरह से इसका व्यवहार देखा जाता है, प्रधान व्यवहारम लभते, तब मूल प्रकृति को प्रधान शब्द से कहा जा सकता है, नान्यथा नहीं तो इसको प्रधान कहा ही नहीं जा सकता। स्थिति रहे या गति रहे, कोई सा अगर एक है तो प्रधान को प्रधान नहीं कहा जा सकता। आगे, कारणांतरेषु अपि कल्पितेषु एषः समान चर्चः, कल्पितेषु एव नहीं है, कल्पितेषु एषः होगा तो ठीक है। अन्य कारणांतर, या कारणांतर लिखा हुआ होगा कईयों के, कारणांतर, कारणांतर को माने तो भी, कारणांतर मतलब प्रधान से भिन्न अगर कोई कारण मान ले तो भी, ये तो प्रधान को मूल प्रकृति को मान करके कथन किया गया, कोई कहे कि नहीं प्रधान नहीं और कोई कारण है ऐसा मान लेंगे, तो भाई ठीक है दूसरा कारण मान लो, तो कारणांतरेषु अपि एषः, ये समानश्चर्च, ये जो प्रचर्चा की गई है स्थिति और गति संस्कार को लेके, वो तो वहां भी रहेगी, आप कुछ भी मान लो, इसको नहीं मानो दूसरे को मानोगे प्रश्न तो वहां भी खड़ा होगा। ये हुआ पांचवा, तो प्रकृति का प्रधान का गति संस्कार को, स्थिति संस्कार को छोड़ के गति संस्कार में आना, क्या ये अदर्शन है, अर्थात क्या ये बंधन का कारण है, तो माना जाएगा ना, हाँ ये भी बंधन का कारण है। आगे छठा, दर्शन शक्ति एव अदर्शनम इत्येके, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो दर्शन शक्ति है यानी देखने की शक्ति है, ये जो आत्मा है, ये दर्शन शक्ति, ये ही अदर्शन है। वैसे तो हम विपरीत समझते हैं ना, जो दर्शन है वो अदर्शन कैसे हो जाएगा, विपरीत होगा, जो दर्शन है वो अदर्शन नहीं हो सकता है। यहां क्या कहा गया, दर्शन शक्ति एव अदर्शनम, ये जो दर्शन शक्ति है, जो देखने की शक्ति है, देखने की सामर्थ्य है, बोले यही अदर्शन है, जो हमारा देखना है यही मिथ्या ज्ञान है, यही अदर्शन है। तो दर्शन शक्ति रेवा अदर्शनम इति एक, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। क्यों, आगे का वचन दिया, विपरीत अल्प विराम में ले लेंगे, प्रधानस्य आत्मख्यापनार्था प्रवृत्ति ही, प्रधान की यानी मूल प्रकृति की आत्मख्यापनार्था यानी अपने रूप को बताने की प्रवृत्ति है इसकी,
प्रकृति की, प्रधान की, आत्मा के यानी अपने रूप के ख्यापन के लिए प्रवृत्ति होती है। वो अपने रूप को दिखाना चाहती है, प्रकट करना चाहती है। जैसा कि इसी बात को बताते हुए सांख्य दर्शन में जो कहा कि प्रकृति कब निवृत्त हो जाती है, वो नर्तकी वत एक उदाहरण दिया। नर्तकी अपने नृत्य को दिखाना चाहती है, जब उसने दिखा दिया और लग गया कि लोगों ने देख लिया है, निवृत्त हो जाएगी मंच से। कि प्रकृति भी, प्रधान भी अपने को दिखाने के लिए आई है, ये चाहती है कि लोग मेरे को देख लें, ये उसकी प्रवृत्ति, वो दिखाने के लिए आएगी, प्रकृति दिखाने के लिए आएगी। वही सन्निधि मात्र से उपकार, अयस्कांत मणिकल्प, वो सारी चीजें देखें, आत्मा नहीं भी देखना चाहेगा, दिखाने के लिए आएगी, वो प्रकट होगी, हम देखें ना देखें वो आएगी, दिखाने के लिए परिवर्तित होगी, कार्य रूप में आएगी, हमारे को शरीर मिल गया है, हमारे को ये चीजें दिखाई देंगी, प्रकट होगी, वो अपने को दिखाने को उद्यत है, दिखाना चाहती है। और जब तक हम इसको ठीक नहीं देखेंगे तब तक इससे मुक्त भी नहीं होंगे, जब इसको ठीक देख लिया इससे मुक्त हो जाएंगे। तो प्रधान की अपने को ख्यापन करने की प्रवृत्ति होते, इति श्रुते है, ऐसी श्रुति है, ऐसा वचन कहीं का है, प्रधानस्य आत्मख्यापनार्था प्रवृत्ति, इसको विपरीत अल्पविराम में लेंगे। अब इसको खोल रहे हैं अभी आगे, और सर्व बोध्य बोध समर्थः प्राक प्रवृत्ते पुरुषो न पश्यति, अल्पविराम, सब जानने योग्य चीजों को जानने में समर्थ, सर्व सब बोध्य मतलब जानने योग्य, बोध यानी ज्ञान में समर्थ, सब जानने योग्य चीजों को जानने में जो समर्थ है कौन, वह है पुरुष चेतन। प्राक प्रवृत्ते है न पश्यति, प्रधान की प्रवृत्ति से पहले देख ही नहीं सकता है। चेतन आत्मा सब जानने योग्य चीजों को जानने में समर्थ होते हुए भी, उसकी अपनी शक्ति है, सामर्थ्य है, स्वाभाविक है, तो भी जब तक प्रधान की प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रधान जब कार्य रूप में आएगा नहीं, प्रवृत्ति मतलब कार्य रूप में आना, जब तक मूल प्रकृति कार्य रूप में नहीं आएगी तो आत्मा इसको देख ही नहीं सकती। जबकि इस सबको देखने की सामर्थ्य है उसमें, तो आत्मा इस सबको देख सके उसके लिए प्रधान का कार्य रूप में आना ये आवश्यक है। तो सर्व बोध्य बोध समर्थः प्राक प्रवृत्ते पुरुषो न पश्यति, आगे सर्व कार्य करण समर्थम, कारण हो तो करण कर लेना, सर्व कार्य करण समर्थम दृश्यम, ये जो दृश्य है ये सब कार्यों को करने में समर्थ है। आत्मा सब जानने योग्य को जानने में समर्थ है और प्रकृति सब कार्यों को करने में समर्थ है, जो कार्य जगत है सर्व कार्यों को करने में समर्थ दृश्य, तदा न दृश्यते, तब वो दिखाई नहीं देता है, वो दृश्य भी दिखाई नहीं देता है। इति ऐसा, इसलिए ये जो दर्शन शक्ति है, जब हम देखते हैं तभी तो मिथ्या ज्ञान आता है, नहीं तो कहां से आएगा। अगर कोई ना देखे ना जाने, आत्मा वैसे ही पड़ा रहे, तो उसमें मिथ्या ज्ञान कहां से आएगा। मिथ्या ज्ञान कब से शुरू होता है, जब देखने से होता है। तो इसलिए जो शुरू में कहा दर्शन शक्ति रे व अदर्शन मिति, है कि अगर आत्मा देखे ही नहीं शुरू से ही, प्रलय से मुक्ति से जब आया है तब देखे ही नहीं, तो अदर्शन आएगा क्या उसको। तो बोले ये अदर्शन का कारण ये दर्शन शक्ति ही है हमारी, ये सारी की सारी अविद्या मिथ्या ज्ञान तो तभी तो आया संसार को देखने से, संसार सुख में दिखाई देता है तभी तो आया जब संसार को हमने देखा, तभी तो ये मिथ्या ज्ञान आया। तो दर्शन शक्ति ही मिथ्या ज्ञान है, दर्शन शक्ति नहीं होती तो मिथ्या ज्ञान आता ही नहीं, तो दर्शन शक्ति भी मिथ्या ज्ञान का कारण हो गई, देखने की शक्ति आत्मा स्वयं बंधन इसका कारण हो गई। ये एक विकल्प बताया, ये छठा कारण बताया। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, आगे के कारणों पर और विचार करेंगे। प्रणव।